इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे अकाली दल के प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई है। नए कृषि कानून के एक साल पूरे होने के मौके पर अकाली दल आज ब्लैक फ्राइडे मना रहा है। अकाली दल ने रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद भवन तक मार्च करने का ऐलान किया, लेकिन इस प्रदर्शन को पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता जब इकट्ठा हुए तो संसद मार्च तक कूच करने लगे। अकाली दल का ये संसद मार्च रोकने के लिए रकाबगंज गुरुद्वारे पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए। आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं अकाली दल के कार्यकर्ता और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश भी कई दफा की गई। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काले कानून रद्द करो की मांग को लेकर अकाली दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून को लेकर विरोध जताया जा रहा है। बैरिकेड को किस तरीके से इन्होंने उठा लिया। धक्का मुक्की हुई इस दौरान। प्रदर्शन करने पर मनाही भले ही ना हो, लेकिन जिस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है, बड़े मार्च को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क था। पुलिस की ओर से भी तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। कृषि कानून के खिलाफ इस प्रदर्शन की अगुवाई करने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंच गए हैं। अकाली दल की मांग है कि कृषि कानून तुरंत रद्द किए जाएं, क्योंकि ये किसान विरोधी हैं। प्रदर्शन में पहुंचे सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि बिल के फाउंडर है। बड़ा अफसोस है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुल। हमने गारंटी ली थी पीस की और आपने देखा कैसे हालात बना दिया उन्होंने। पूरी रात इन्होंने हमारे हजारों वर्करों को सड़कों में रोका है। स्ट्रॉन्गली कांग्रेस का ये सरदार सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस घबरा गई है, कांग्रेस घबरा गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बिल का फाउंडर है। आपने सुखबीर बादल को सुना, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार तो खुद इस बिल की फाउंडर है और ऐसे में कांग्रेस अब जिस तरीके से प्ले कर रही है वो प्योर पॉलिटिक्स है। अकाली दल के कार्यकर्ता रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद मार्च करने वाले हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून को पास हुए एक साल होने पर शिरोमणि अकाली दल के द्वारा आज ब्लैक फ्राइडे मनाया जा रहा है। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज के ठीक सामने ये तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं जो अपना रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और इनका ये कहना है कि हमने प्रशासन से अनुमति मांगी थी कि यहाँ से पार्लियामेंट तक जाने दिया जाए, लेकिन वो अनुमति अभी तक दी नहीं गई है। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ से आगे बढ़ें और अपनी बात को रखें। अब क्या करेंगे आप लोग, आगे जाने की परमिशन तो नहीं दी गई है? हम जाएंगे, टप के जाएंगे, पूरा हर हालत जाएंगे, कोई डरेगा नहीं, गए अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि चाहे किसी तरह की पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और पार्लियामेंट के मेन गेट तक जाएंगे अपनी मांग को लेकर। इस पूरे इलाके में बैरिकेटिंग कर दी गई है, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे तैनात की गई है, और कोशिश ये है कि यहाँ से किसी भी तरह से इन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और उसके बाद ठीक आप बैरिकेड के बाद ये आप दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की संख्या देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जहाँ ये कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं ये बिल्कुल पार्लियामेंट के बैक साइड का हिस्सा है, सामने पार्लियामेंट का एक गेट है, वहां से पार्लियामेंट के लिए एंट्री है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो कार्यकर्ता यहां से गुरुद्वारा रकाबगंज से आगे बढ़ते हुए इस रास्ते से आगे जाने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के मेन गेट तक, उनको यहीं पर रोक दिया जाएगा। रकाबगंज गुरुद्वारे से हमारे संवाददाता पवन नारा ने भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है, देखिए। तीन काले कानून के खिलाफ अकाली दल आज गुरुद्वारा रकाबगंज से लेकर संसद तक मार्च करने जा रहा है और अकाली दल के कार्यकर्ता
बड़ी संख्या में गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच चुके हैं। सुखबीर बादल की अगुवाई में ये मार्च होने वाला है और इसके लिए बड़ी संख्या में पंजाब से भी किसान आए हैं। किसान आंदोलन 9 महीने से चल रहा है और अलग अलग दल यहाँ प्रदर्शन करते रहते हैं और उसी कड़ी में आज अकाली दल का ये प्रदर्शन ग्वालियर रकाबगंज से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक का है। लेकिन जिस बड़ी संख्या में किसान पहुँचे हैं उतनी ही बड़ी संख्या में पुलिस के इंतजाम भी हैं। इस तरफ बस लगाकर रास्ता रोक दिया गया है, किसान नहीं जा सकते, और दूसरी तरफ भी बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और अब सबको इंतजार उस लम्हे का है जब अकाली दल के ये कार्यकर्ता संसद का मार्च करेंगे और सुखबीर बादल इसकी अगुवाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर अगर आपको आके दिखाएं तो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले, ISO के बैनर के तले बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहाँ काले कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और अब कुछ देर बाद सुखबीर बादल की अगुवाई में ये मार्च शुरू होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इस बैरिकेड के आगे इनको बढ़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन जिस बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे हैं, अकाली दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ पवन नारा, India TV, गुरुद्वारा रकाबगंज। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा और पवन नारा दोनों जुड़े हुए हैं। हम सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं कि मौजूदा परिस्थिति वो क्या देख पा रहे हैं। भास्कर, आप ये बताएं कितनी बड़ी संख्या में पहले तो ये जितने कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इनकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आगे की रणनीति तो बिल्कुल साफ है कि इनको आगे जाना है, पार्लियामेंट के मेन गेट तक जाना है। संख्या की अगर बात करें तो अब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो गुरुद्वारा के अंदर बहुत सारे रुके हुए थे वो लोग बाहर आ गए। जैसे ही सुखबीर सिंह बादल पहुंचे, उनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता अब बाहर दिखने लगे हैं। 1000 से अधिक कार्यकर्ता इस पूरे इलाके में दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनको आगे जाने की बात है, पुलिस ने पूरी तरह से मना कर दिया कि अनुमति नहीं दी गई है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एक इसमें एक पक्ष इसका ये है कि सुखबीर सिंह बादल इसका नेतृत्व कर रहे हैं तो सीधे संपर्क में पुलिस और प्रशासन उनसे भी है कि आगे हाई सिक्योरिटी जोन है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट का मेन गेट जो है वो तो पीछे है लेकिन एक गेट ठीक सामने है जहां से एंट्री होती है। तो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और ये हो सकता है कि जो बैरिकेडिंग की गई है वहीं तक इनको रोक दिया जाए। दो रास्ते मेन हैं इस गुरुद्वारा रकाबगंज के से अगर निकलते हैं वो लोग तो दाहिने तरफ राष्ट्रपति भवन के लिए रास्ता जाता है, उसको बसों से ब्लॉक कर दिया गया, और लेफ्ट साइड पार्लियामेंट के लिए गेट जाता है, वहां पे दो बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हालांकि वो बैरिकेड पूरी तरह से बंद नहीं किए गए हैं, अभी भी लोग आ जा रहे हैं। शायद बातचीत चल रही है पुलिस प्रशासन और सुखबीर सिंह बादल के बीच में कि वो कार्यकर्ता यहां से आगे ना बढ़े। बिल्कुल पवन, अब बातचीत तो की जा रही है लेकिन क्या लगता है कि क्या इस बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा? क्योंकि पूरी तैयारी के साथ ये आए हैं और कृषि कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन जो पंजाब में चल रहा था, जो दिल्ली में चल रहा था, ये अब क्या ज्यादा पॉलिटिकल नजर आता है अगर हम अकाली दल की ही बात करें? जी बिल्कुल, पंजाब के किसान 3 कृषि कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अकाली नहीं चाहते कि इस रेस में कहीं वो पीछे दिखाई दें। तो जब एक साल जब पूरा हो रहा है 3 काले कानून का तो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जरा समझिए, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, मार्च ज्यादा नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज है और पहला बैरिकेड लगाया गया है। इसके दाईं तरफ आपको दिखाई देगा कि ये पार्लियामेंट की दीवार है, यानी रकाबगंज और पार्लियामेंट आमने सामने है। यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि वो मुख्य गेट तक मार्च करेंगे, यानी यहाँ से निकलकर आगे तक। चूंकि दूसरे गेट पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है नई पार्लियामेंट का, तो ये एंट्री गेट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी मार्च करने का रास्ता बहुत सीमित है। लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं मिली है क्योंकि रकाबगंज और पार्लियामेंट आमने सामने है। तो कुल मिलाकर सुखबीर बादल की अगुवाई में आज का दिन ब्लैक फ्राइडे मार्क करना चाहते हैं और इस राजनीतिक रस्साकशी में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। इससे ज्यादा इस मार्च की अहमियत हमें थोड़ा नहीं समझ आती।
और अगर पवन इस लिहाज से भी आप देखें कि सुखबीर बादल ने यह कहा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि फाउंडर तो इसकी पंजाब सरकार ही है, तो जब पंजाब सरकार इसकी फाउंडर है तो कांग्रेस फिर किस नाते ये कहती है कि हम कृषि कानूनों के खिलाफ है और हम किसान आंदोलन के साथ हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, हमें नवजोत सिंह सिद्धू की चंडीगढ़ में की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि तीनों कृषि कानून अकाली दल के दिमाग की उपज हैं और यही तीनों कानून बीजेपी के पास लेकर गए, लागू करवाया और सत्ता के भागीदार थे। अब अकाली दल का ये कहना कि कांग्रेस इनकी जनक है तो स्पष्ट है कृषि कानून से ज़्यादा ये पंजाब के किसानों को अपने पाले में खींचने की कोशिश है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कृषि कानून का विरोध कर रही हैं और दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अकाली दल हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इन तीन काले कानूनों के जनक है। यानी कुल मिलाकर पंजाब चुनाव से पहले की ये राजनीतिक रस्साकशी है जिसमें एक दूसरे को दोष देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए पवन, आपका भी, भास्कर आपका भी इस पूरे डिटेल रिपोर्ट के लिए। कृषि कानून के खिलाफ, नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।